सीतामढ़ी में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ आज आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान व्रती अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देगी। चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत दो दिन पूर्व भी हो गई थी। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर विभिन्न छठ घाटों तथा घरों में लोगों ने छठ घाट का निर्माण कराया है, जहां आस्था और भक्ति के साथ डूबते सूर्य को आज अर्घ दे रहे हैं। छठ व्रत शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। उस दिन के लिए दूसरे दिन खरना पूजा होता है और आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कल उगते हुए सूर्य में सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का समापन हो जाएगा। वहीं प्रशासन द्वारा भी छठ व्रत को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस वालों की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छठ घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। सीतामढ़ी शहर के स्लोव स्थित लखनदेई नदी के एक तट पर भी लोक आस्था का महापर्व छठ आज मनाया जाएगा। वहीं व्रतियों को कहना है कि नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था नहीं किया गया। जल में गंदगी होने के कारण व्रती बीमारियों का भी सामना कर सकते हैं। पहले वहाँ पे बहुत फर्क हो गया है, अब तो नगर निगम में ध्यान नहीं देता। नगर निगम पहले नगर परिषद, अब नगर निगम हो गया। कोई नगर निगम तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई घाट का साफ सफाई नहीं है। कोई नदी का साफ सफाई नहीं है, घाट सब हम ही लोग साफ सफाई किए हैं। पूर्व में भी नगर परिषद के द्वारा व्यवस्था की जाती है। पहले का व्यवस्था और आपकी व्यवस्था में बहुत फर्क है, अब कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लाइट शाम कुछ नहीं। इसका मतलब हम लोग समझे कि का चेयरमैन हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। क्या नाम है आपका? मैं ना बंटी कुमार हूँ। पूर्व में चैती छठ में भी तो व्यवस्था की जाती है, हर साल होता था, सब व्यवस्था होता था, पूरा व्यवस्था होता था। जो पाउडर जो छिड़काव होता था वो भी होता था, कहीं कोई पाउडर का छिड़काव नहीं है। आपका क्या कहना है? कहना क्या है, सब तो देखिए रहा है, सरकार को देखना चाहिए, नगर निगम वाला को देखना, ध्यान देना चाहिए। हिंदू का महान पर्व होता है, एक दिन साफ सफाई हो व्यवस्था नहीं है तो आदमी कहाँ जाएगा छठ करने? सब जाएगा अपना घर पे छठ करेगा। आप बताइए, यहाँ तो आप छठ करते कितने सालों से आ रहे हैं? लगभग 10 साल से देख रहे हैं। तो इस बार क्या व्यवस्था नगर निगम के द्वारा किया गया है जो पूर्व में किया जाता रहा है? इस बार कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए ना लखनदेई का क्या व्यवस्था, सामने को आप देखिए रहे हैं, हम इसमें क्या बताएं, पूरा गंदगी भरा हुआ है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? भल तुरंत के चुनाव हुआ है, इसी में कुछ बदमाशी किया है और क्या होगा। तो चेयरमैन के द्वारा घाट का निरीक्षण नहीं किया गया? निरीक्षण किया है, लेकिन जो नगर निगम का जो कर्मचारी लोग आता है, हल्का फल्का किया, उसके बाद भाग गया है। सामने देखिए ना, क्या बता, देखिए गंदगी से भरा हुआ है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ है, हो रहा है कि आप लोग मीडिया वाले, आप लोग सवाल उठाइएगा उनसे। किन से उठाए सवाल? नगर निगम वाला से, चेयरमैन से उठाइए, SPD SP से उठाइए। चेयरमैन जो है पूर्व तो चेयरमैन आकर देखते थे साफ सफाई करने चैती छठ में, इस बार आखिर क्यों नहीं हुआ? इस बार नहीं हुआ है। चेयरमैन कौन है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। इस बार क्या कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम, एकदम नरक है, पानी कोई साफ नहीं है, इसे जो बल्कि करेंगे वो बीमार पड़ेंगे, पॉल्यूटेड पानी है। क्या लगना है कि नगर निगम एकदम निष्क्रिय रहा, इसमें कुछ नहीं, जब तक कार्तिक का वक्त हुआ था उस समय नगर निगम नहीं था। हाँ, आज नगर निगम कोई भी व्यवस्था नहीं है, नगर निगम एकदम निष्क्रिय रहा है, निष्क्रिय रहा है नगर निगम। पटना
कोरोना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH31, सुशील नगर, बेगूसराय।